Assalamualaikum, how are you viewers? Hope you're fine. Our today's topic is stability of benzene. जहाँ तक स्टेबिलिटी का सवाल है तो इसको हम दो तरीकों से मेजर करते हैं. एक है द रेजोनेंस मेथड और दूसरे है द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मेथड. इससे हम स्टेबिलिटी बेंजीन की मेजर करते हैं. स्टेबिलिटी होती क्या है, किस तरह से? देखो, जिस मॉलिक्यूल की जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना स्टेबल होगा, और जितनी उसकी हाई एनर्जी होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा. ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में हम एनर्जी मेजर करते हैं, और रेजोनेंस मेथड में हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. द रेजोनेंस मेथड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रेजोनेंस. द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स किसकी, ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड द रेजोनेंस. एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थस ऑब्टेंड आर कॉल्ड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. क्या कहते हैं इनको, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. हमने कहा डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. किन की पेयरिंग स्कीम, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के वेलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस. एंड जो स्ट्रक्चर हमें मिलती हैं दे आर कॉल्ड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इसका सिंबल डबल हेडेड एरो है. डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द फोर्थ वेलेंस पी एटम, वेलेंस पी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन एटम आर पॉसिबल इन बेंजीन. कहता है जैसा कि हमने कहा वेलेंस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है डिफरेंट, इसी तरह कार्बन के अंदर तीन तो बेंजीन में sp3 हिब्रिडाइज्ड है, और चौथा जो पी ऑर्बिटल अवेलेबल है उसकी क्या पेयरिंग स्कीम्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो पॉसिबल है इन बेंजीन. तो उसकी कहता है पेयरिंग स्कीम पॉसिबल हो सकती हैं, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. अगर हम देखें कैक्यूल ने ये दो स्ट्रक्चर पेश किए फॉर द बेंजीन, तो रेजोनेंस में हम ऐसे ही है. इसकी एग्जांपल आप देखो जी, कोई बच्चा है या कोई बंदा है, वो जाता है जी जंगल में, जाता है वहाँ पे कोई एनिमल स्ट्रेंज सा देखता है, उसको नाम नहीं पता इसका क्या नाम है, तो वो उसके बारे में मुख्तलिफ शहादतें देते हैं. चंद एक लोग गए हैं, सॉरी, तो वो कहते हैं, कोई कहता है उसकी टांगे लंबी थी, कोई कहता है नहीं उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, कोई कहता है गर्दन टिल्टेड थी. तो हम मुख्तलिफ असेसमेंट्स करते हैं, जितनी ज़्यादा एविडेंस होगी उतना ज़्यादा हम हकीकत की तरफ जाएंगे. इसी तरह किसी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं उतना ही उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबलाइजिंग दैट कंपाउंड. यानी जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा हम कहते हैं किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है. यहाँ पे हमने पूरे पांच स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हुए हैं बेंजीन के लिए. ये दो पहले जो स्ट्रक्चर है इनमें ये कहलाते हैं कैक्यूल के स्ट्रक्चर, ये हम अभी रिसेंटली पढ़ा है हमने. और दो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक डिवार नामी साइंटिस्ट था, उसने ऑफर किए थे. अब हमने देखना है दोनों में क्या फ़र्क है. अगर आप देखो कैक्यूल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, हम देख सकते हैं के कंजेक्टिव कार्बन है, मसलन वन और टू में डबल बॉन्ड का होना, या फिर थ्री और फोर में डबल बॉन्ड का होना, या फिर फाइव और सिक्स में डबल बॉन्ड का होना, ये क्वाइट पॉसिबल है, फिजिबल है, थर्मोडिनामिकली अलाउड है. इसी तरह इस स्ट्रक्चर में आप देखो टू और थ्री का में डबल बॉन्ड का होना, कार्बन नंबर फोर और फाइव में डबल बॉन्ड का आना, और कार्बन नंबर सिक्स और वन के दरमियान डबल बॉन्ड का आना, हम कहते हैं दीज आर पॉसिबल, दीज आर थर्मोडाइनेमिकली, दीज आर थर्मोडाइनेमिकली पॉसिबल. थर्मोडाइनेमिकली पॉसिबल है ये, और फिजिबल है, इज फिजिबल है, ऐसा होता है. थर्मोडायनामिक इसको अलाउ करती है. जबकि तो फिर इस बेस पे हम कहते हैं
कि कैक्यूल की स्ट्रक्चर जो है वो 80% कॉन्ट्रीब्यूटर है, किसकी तरफ, टूवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जबकि डिवार के स्ट्रक्चर जो हैं दे आर ओनली 20% कॉन्ट्रीब्यूटर टूवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये 20% कॉन्ट्रीब्यूटर क्यों है, वजह क्या है, आप देखो भाई, कहते हैं कि 1 और 4 के दरमियान एक लॉन्ग बॉन्ड का आना और लॉन्गर बॉन्ड का आना, और 2 और 5 के दरमियान, भाई 2 को 3 के साथ या 1 के साथ बनाना चाहिए ना बॉन्ड, तो ये भी लॉन्गर बॉन्ड का आना, और 3 और 6 में लॉन्गर बॉन्ड की प्रेजेंस जो है दैट इज़ अनलाइकली है, ये ऐसा नहीं होता, थर्मोडाइनेमिकली ये फिजिबल नहीं है, थर्मोडाइनेमिकली नॉट अलाउड, नॉट फिजिबल, तो ये हम कहते हैं। सो दीवार की स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। तो हमने ये नतीजा निकाला कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर जो हैं दे आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, क्योंकि थर्मोडाइनेमिकली वो पॉसिबल हैं, ऐसा होता है, जबकि दीवार के स्ट्रक्चर जो हैं माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, ये क्या है, मेजर 80% और ये माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर, यानी सिर्फ 20% ये रोल प्ले करता है या पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा आप देखो बेंजीन के ये बॉन्ड जो है ये हाइब्रिड से बॉन्ड है, यानी ये हाइब्रिड है डबल और सिंगल के। अगर आप किसी अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड देखो तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आपको पता है 1.54 एंगस्ट्रम होती है। इसी तरह अगर आप किसी एल्कीन के डबल बॉन्ड पे जाओ, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ आपको पता है उसकी 1.34 एंगस्ट्रम होती है, जबकि बेंजीन का बॉन्ड हम कह रहे हैं ये दोनों का हाइब्रिड है। अब ये देखो बेंजीन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का हाइब्रिड है, इसकी लेंथ ज़रा ज़रूर देखिएगा 1.397 यानी 1.54 और 1.34 के दरमियानी या हाइब्रिड हालत है। तो ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, ये ना तो प्योर सिंगल है और ना प्योर डबल है, बल्कि इन दोनों का हाइब्रिड है। तो दिस इज़ हाउ वी डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन थ्रू रेजोनेंस मेथड। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।